स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल इंडिया न्यूज़ में। लगभग 20 लाख पेंशन भोगियों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है, जो कि दो व्यक्तियों के परिवार यानी वृद्ध पति या पत्नी का भी भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि वर्ष 2014 से न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि नहीं की गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मिलेगी पूरी जानकारी तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक जरूर देखना। EPS 95 योजना के सदस्य लगातार अन्य पेंशन भोगियों को भुगतान की जा रही 17% की दर से न्यूनतम पेंशन को 5000 रुपये से अधिक महंगाई भत्ता DA तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए DA अब बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। केंद्र सरकार बिना किसी वास्तविक कारण के इस मुद्दे पर चुप है, सिवाय इसके कि EPS 95 योजना के तहत पेंशन भोगियों का योगदान कम है। केंद्र सरकार को न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने के लिए 6401.90 करोड़ की हिस्सेदारी करनी है। केंद्र सरकार उस वित्तीय बोझ से अधिक वहन नहीं कर सकती। भारत सरकार ने हालात के दिनों में कई पेंशन योजनाएं शुरू की। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई एक रूपता नहीं है, कुछ प्रति माह 50,000 रुपये से भी ज़्यादा मिल रही हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिनको पेंशन 50,000 रुपये से भी ज़्यादा मिल रही हैं। वे आयकर से पूर्ण छूट की मांग करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है आप सभी को कि लाखों पेंशन भोगियों को आवश्यक आधारित पेंशन मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, पेंशन वेतन है, इसका कोई योगदान से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा यह केंद्र सरकार है जिसने अपने दम पर मानदंडों को बदला है। पेंशन भोगी अंततः पीड़ित है, सरकार सीलिंग लेकर आई है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन बढ़ाकर 5000 रुपये तक सीमित था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2001 से 6500 रुपये कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड, जो वर्तमान में 15000 रुपये है। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के कारण वेतन यानी बेसिक प्लस DA बढ़ा दिया गया है, लेकिन वेतन सीमा को न तो हटाया गया है और न ही बढ़ाया गया है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। जी हाँ फ्रेंड, इस संबंध में लगभग 42 आवेदनों को एक साथ कर जोड़कर सुनवाई के लिए रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले हिमाचल प्रदेश के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन का 8.33% पेंशन फंड में जमा करने के हकदार हैं, चाहे अधिकतम सीमा कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स, EPFO ने इसे चुनौती दी है और ये मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है। इस विशेष बात में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हजारों वरिष्ठ नागरिकों की मृत्यु हो गई है।